सब्सक्राइब कीजिए। ध्यान में रखें ये दोनों सूरतें सूरह फलक और सूरह नास ये जादू का अक्सीर इलाज हैं और इन दोनों सूरतों को रात को सोने से पहले पढ़ना ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। इसमें दिगर मखलूक से भी अल्लाह की पनाह मांगी गई है और इंसान जिन्नात और शैतान इनकी शरारतों से भी अल्लाह की पनाह मांगी गई है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब यहाँ एक बात बता दूँ, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन सूरतों की तिलावत करते थे और ख़ास तौर पर याद रखें मगरिब की नमाज के अंदर इन सूरतों की तिलावत करें, इसकी वजह से अल्लाह रात भर हिफाजत फरमाएगा। और कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फज्र की नमाज में भी इसकी तिलावत फरमाई है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिवाल मुफस्सल जो है यानी फज्र की नमाज में लंबी किरत करना ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है, लेकिन कभी कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह नास की भी तिलावत फज्र की नमाज में फरमाई और फज्र की नमाज में तिलावत करने के बाद सहाबा से पूछा हुजूर ने कैसा रहा आज का, चूंकि सहाबा कुरान की आयतों के तर्जमे को और मानी को जानते थे इसलिए सहाबा कहते थे हुजूर बहुत अच्छा रहा। तो इन सूरतों की बड़ी तासीर है, इन सूरतों की बड़ी फजीलत है। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।